दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी भी मानसून का इंतजार है। इस बार मानसून काफी देरी से आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट आर के जैनमणि जी हैं। आर के जैनमणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कारण है दिल्ली एनसीआर के लोगों को मानसून का इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है? नहीं देखिए, जो ब्रेक मानसून या वीक मानसून जो चला, काफी लंबा चला, और अगर देखें तो हम टाइम टू टाइम बोल चुके हैं कि मानसून का जो है 5 से 7 दिन तक आने का चांस नहीं था, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लेकिन जैसे कंडीशन हम बोले कि 8 तारीख ऑनवर्ड जो है कंडीशन बन रहा है, फेवरेबल होगा मानसून रिवाइवल के लिए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, रिवाइवल हुआ। और हमने बोला कि 10 तारीख की जो है तब तक जो ईस्टर्ली और मानसून का ऐसे कुछ होगा जो एडवांस कर पाएंगे। लेकिन हमारा जो मानसून का जो क्राइटेरिया होता है, जैसे पूर्वया है और तापमान का फॉल होना चाहिए, ह्यूमिडिटी बढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल ऐसा ही ऐसे 10 तारीख में हुआ, लेकिन बारिश नहीं हुआ। और बारिश का मेन जो मानसून का कंडीशन है, और मानसून का हम जो एडवांस कराते हैं कि मानसून आ गया, हम बोलते हैं कि बारिश का एक प्राइम क्राइटेरिया होता है, अगर रेन नहीं होता है हम नहीं करते हैं, चाहे केरला हो चाहे महाराष्ट्र हो, कोई भी हमारा भारत का सब समान है। तो हम इसीलिए 10 तारीख ऑनवर्ड जो है हम उसको बोल रहे थे कि सारा कंडीशन फेवरेबल है और हम ये है कि एडवांस का इंतजार है। और आज जो है पहले बार जो 11 तारीख पर्टिकुलरली काल है, जैसे हमारा काफी हिस्सा जो है राजस्थान का बारिश हुआ है, बहुत सारा इवन गंगानगर भी बारिश है, और हमारा राजस्थान का काफी हिस्सा बारिश है, पंजाब में भी हैवी रेनफॉल है, जैसे फिरोजपुर है, जैसे पठानकोट जो जम्मू है वो हैवी रेन है, और हिमाचल उत्तराखंड सारी जगह में हम जैसे ही बोला था कि रिवाइवल बहुत अच्छा बारिश हुआ है। लेकिन जो हमारा जो दिल्ली का एरिया है, जो राजधानी है, और हरियाणा का जो कुछ एरिया है, गुड़गांव है, एनसीआर है, ये कुछ कारण से बारिश नहीं हुआ। ओनली आयानगर में 2 मिलीमीटर रिपोर्ट किया गया, तो ये बेस्ट नहीं बनता है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करने के लिए। इसलिए हम जो अदर पार्ट जो जैसे बताया राजस्थान का काफी इलाका, पंजाब वगैरह एडवांस किया है, और आज का अगर मानसून का जो एडवांस लाइन है वो काफी आगे जा चुका है, जैसलमेर, नागौर, भरतपुर, अलीगढ़, कर्नल और गंगानगर। तो छोटा जो एरिया रह गया जो दक्षिणी हरियाणा और आसपास पंजाब, दक्षिण पूर्व पंजाब और दिल्ली, सबसे ज्यादा जो दिल्ली है, और उत्तर राजस्थान का कुछ हिस्सा, वो कभी भी एडवांस हो सकता है, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और क्लाउड भी अभी भी बन रहा है, कल भी अच्छा प्यारा सा वेदर था, बस बारिश का इंतजार है, जैसे ही कंडीशन बनेगा हम बता देंगे कि मानसून आ गया, तो इसलिए हम मॉनिटरिंग में रखे हैं। आर के जैनमणि जी, दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांवा हो, हरियाणा जो दिल्ली से सटे राज्य हैं, यहाँ पर लोगों को काफी इंतजार है मानसून का। बादल जो है वो एकदम काले हुए थे, लेकिन बारिश का भी इंतजार करना पड़ रहा है, तो कब बरसेगा यहाँ पर पानी? मानसून का जो चैलेंजिंग है यही है कि इतना कंडीशन बनने के बाद भी देखेंगे कि बिल्कुल मानसून जैसे लगता है लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा है कि जो मेन सिस्टम है वो एक्चुअली थोड़ा दक्षिण में बना है, जो राजस्थान या जो बारिश होने वाला गुजरात या जो मध्य प्रदेश, तो आज थोड़ा बहुत प्रोग्रेस है। और हम यही सोचते हैं कि जो मॉनिटरिंग में रखे हैं, शायद हम इसीलिए मॉनिटरिंग में रखे हैं कि कंडीशन फेवरेबल अभी भी है, और हम फिर बता देंगे कि मानसून आ गया, बस बारिश का इंतजार है। और हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हेवी रेनफॉल हो रहा है और काफी नुकसान हुआ है, आगे भी क्या इनका नुकसान होने की संभावना है, इस तरह का मौसम बना रहेगा? अगले 24 घंटा जो है बहुत क्रुशियल है, क्योंकि जैसे वो कांगड़ा और जो मिला हुआ है जो धर्मशाला से 50 किलोमीटर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है जो मीडिया बताया, तो बिल्कुल ही आप सैटेलाइट का देखेंगे, उपग्रह देखेंगे, राडार देखेंगे, तो काफी क्लाउड बना है, जो जम्मू एरिया है, उत्तर पंजाब है, और जम्मू से ले करके आपका जो उत्तराखंड का पूरा एरिया ढंका हुआ है, पहाड़ों में पूर्वी हवा के साथ मॉइस्चर हेवीली लोडेड होके राइज करता है, और ये टाइम जो है क्लाउड बस्ट के लिए फेवरेबल होता है, इसीलिए हम वार्निंग जो है देके रखे हुए हैं, रेड कलर वार्निंग ये एरिया के लिए, हिमाचल, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड पंजाब, नॉर्थ पंजाब के लिए हेवी रेन का एंड फ्लैश फ्लड का। आर के जैनमणि जी, अभी किन किन राज्यों को किस तरह का अलर्ट दिया गया, किसको येलो दिया गया, किसको ऑरेंज दिया गया? देखिए, अभी जो सिस्टम जो है मेनली हमारा जो वेस्ट कोस्ट है, काफी मतलब मानसून एक्टिव है, हमारा जो महाराष्ट्र का पूरा एरिया है, कर्नाटक है, गुजरात है, तो ये जो एरिया ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा बारिश होने का संभावना है, और ये सारा जो है पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट है, मध्य महाराष्ट्र है, ये रेड कलर है, और जो कर्नाटक एरिया है, गुजरात है, वो ऑरेंज कलर है,
सो हम लोग टाइम टू टाइम अभी उसका वार्निंग दे रहे हैं कि प्रिपेयर रहिए, हेवी रेन हो सकता है. उत्तराखंड एचपी ये भी हम लोग ऑरेंज दिया है, मतलब बी प्रिपेयर और मौसम विज्ञान विभाग के साथ बात रहे और मीडिया से भी टाइम टू टाइम खबर लें कि कहाँ कहाँ क्लाउड बन रहा है. सैटेलाइट पिक्चर तो अवेलेबल है और हम लोग भी टाइम टू टाइम अभी अगले 24 आवर्स to 48 आवर्स तो हिमाचल उत्तराखंड में काफी मानसून एक्टिव रहेगा. और ये एरिया अभी जो मेजर एरिया है और जो बाकी जो एरिया है जैसे हमारा तेलंगाना एरिया वहाँ भी एक कम दबाव का क्षेत्र है. मानसून जो है मेनली जो दक्षिण भारत में एक्टिव है और हमारा वेस्ट इंडिया में पर्टिकुलरली महाराष्ट्र एंड गुजरात में एक्टिव है और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर पंजाब इसमें भी मानसून बहुत एक्टिव है और काफी बादल है उधर, इसीलिए हैवी टू वेरी हैवी और इवन बहुत ज्यादा बारिश होगा पर्टिकुलरली कोंकण गोवा एंड गुजरात. बहुत बहुत शुक्रिया आर के जैमिनन जी अपना कीमती समय देने के और बताने के लिए कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को कब राहत मिलेगी और साथ ही साथ किन राज्यों में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सर. थैंक यू.